हेलो दोस्तों, मैं शिवांग भारद्वाज एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्राणी, आपने कई सारी वीडियो इरिगेशन की देखी होंगी, जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने इरिगेशन के बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि मैथड्स ऑफ इरीगेशन थी। इसमें मैंने दो मैथड्स, कई सारे मैथड्स के बारे में बताया था और पृष्ठीय तथा अधोपृष्ठीय सिंचाई के बारे में डिटेल में थोड़ा बताया था। आज मैं बात करूंगा ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन के बारे में, यानी कि टपकदार या ड्रिप बूंद सिंचाई विधि के बारे में। दोस्तों, जिसने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरे चैनल पर जाके पुरानी वीडियो को देखे तथा आगे आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। दोस्तों, वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आगे मैं कई सारे अच्छे टॉपिक्स आपको बताऊंगा, ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद आपको ना मालूम हो। चलिए मैं शुरू करता हूँ ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन, टपकदार या ड्रिप बूंद सिंचाई विधि, जो कि मैंने टॉपिक वाइज लिखा है। तो टॉपिक नंबर 142 से आया है, टॉपिक नंबर 142 यानी 142। इस विधि में सिंचाई जल बूंद बूंद के रूप में फसल के जड़ क्षेत्र में टपकाया जाता है, यानी कि जो हमारी ड्रिप, जैसे कि नाम से ही पता है ड्रिप सिंचाई यानी बूंद सिंचाई है, तो इस विधि में सिंचाई जल जो है बूंद बूंद के रूप में फसल के जड़ क्षेत्र में ही टपकाया जाता है। टॉपिक नंबर 143, टपकदार सिंचाई में पानी को पीवीसी पाइप द्वारा ड्रिपर्स तक पहुंचाया जाता है, यानी कि जो हमारे बूंद बूंद कर पानी टपकाने वाले ड्रिपर्स होते हैं उन तक पानी पहुंचाने के लिए हम पीवीसी पाइप का यूज करते हैं। नंबर 144, सहायक पाइप पौधों की पंक्ति के अगल बगल बिछाए जाते हैं तथा ड्रिपर्स में पानी का दाव कम करने की व्यवस्था होती है। जो हमारे सहायक पाइप होते हैं वो जो पौधों की पंक्ति के इधर उधर बिछा दिया जाए, जिससे कि पौधों को कोई नुकसान ना हो, और हमारा जो ड्रिपर्स में पानी का दाव कम इसलिए किया करने की व्यवस्था होती है क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से पानी गिरने से उसके जड़ क्षेत्र की मिट्टी कटेगी और जड़ को नुकसान पहुँचेगा। नंबर 145, मेन पाइपलाइन की साइज 12.7 mm की होनी चाहिए। ये लचीली पीवीसी ट्यूब होती है जिसे 90 डिग्री पर भूमि पर बिछाया जा सके। जो हमारी मेन पाइपलाइन है उसका साइज 12.7 mm होना चाहिए और ये लचीली पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो आता है हमारा मटेरियल उसकी होनी चाहिए, जिससे कि इसे भूमि में हम अगर हमें 90 डिग्री पर भी बिछाना पड़े तो हम इसको 90 डिग्री पर भी बिछा सकते हैं। नंबर 146, पाइप की गहराई 0.5 से 0.6 मीटर तक एक निश्चित अंतराल की दूरी पर बिछाए जाते हैं, यानी जो हमारा पाइप है वो भूमि में 0.5 से लेकर 0.6 मीटर तक की गहराई पर रखा जाता है और फसल के अनुसार इसको एक निश्चित दूरी के अंतराल पर बिछाए जाते हैं। टॉपिक नंबर 147, सहायक पाइप की लंबाई 40 मीटर तक रखी जाती है। जो हमारा सहायक मेन पाइप लाइन से निकला हुआ जो सहायक पाइप होता है इसकी मैक्सिमम लंबाई जो है 40 मीटर तक रखने से हमारे सिंचाई कार्य में सरलता आती है। टॉपिक नंबर 148, प्रत्येक सहायक पाइप में 50 सेंटीमीटर की दूरी में 70 छिद्र रखते हैं, जो कि प्रति पौधा एक छिद्र के हिसाब से रखा जाता है, यानी 50 सेंटीमीटर लंबे पाइप में 70 छिद्र क्या, यानी कि ये छिद्र घट बढ़ भी सकते हैं क्योंकि जिस तरह से हमारे पौधे रखेंगे उसी हिसाब से इन छिद्रों को रखा जाता है। टॉपिक नंबर 149, प्रत्येक छिद्र का जल प्रवाह 2 लीटर प्रति घंटा रखा जाता है, यानी कि हमारा प्रत्येक छिद्र जिससे बूंद बूंद करके पानी टपकता है उसके डिस्चार्ज रेट यानी प्रवाह दर 2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से रखा, यानी कि एक घंटे में बूंद बूंद करके 2 लीटर पानी प्रति छिद्र से टपकेगा। टॉपिक नंबर 150, टपकाव सिंचाई का मुख्य उद्देश्य पौधों के जड़ क्षेत्र में बिना दबाव डाले उतना जल प्रवाहित करना है जितना उसकी प्रतिदिन की जल मांग होती है। जो बताइए,
चुके हैं कि टपकाव सिंचाई के उसमें जड़ क्षेत्र में जिससे कि मिट्टी नहीं कटती है, इसलिए दबाव नहीं डाला जाता है और इससे पानी की बचत भी होती है और कई सारे फायदे हैं ड्रिप सिंचाई टपकाव सिंचाई के, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। टप नंबर 151, टपकाव सिंचाई टपकदार सिंचाई में प्रयुक्त होने वाले कुछ सहायक भाग निम्न हैं। यहाँ दोस्तों ये टपकदार सिंचाई में प्रयुक्त होने वाले कुछ भाग हैं जो कि हैं, नंबर ए पंप सेट, नंबर बी उर्वरक बॉक्स, सी दबाव मापी, डी छलनी फिल्टर, ई फ्लेक्स वॉल्व, एफ जल मीटर, जी सहायक पाइप, एच ड्रेपर्स। पंप सेट जो कि हमारा पंप सेट बूम से पानी या कहीं जल स्रोत से पानी उठाने के कार्य में आता है। उर्वरक बॉक्स, हम इसमें उर्वरक को घोल कर सिंचाई के साथ साथ उर्वरक भी डाल दे सकते हैं। दबाव मापी जो कि हमारे ड्रिपर्स में दबाव को मापता है। छलनी फिल्टर जिससे कि हमारे छलनी फिल्टर जल को छानने का कार्य करता है, बीच में लगा होता है जिससे कि हमारे पाइप्स में कोई कूड़ा करकट ना फंसे आके, ड्रिपर्स में कोई कूड़ा करकट ना फंसे आके। फ्लैक्स वाल्व होता है जो कि पानी का बहाव बंद करना रोकना चालू करने के काम आता है। जल मीटर जो कि जल की डिस्चार्ज वैल्यू नापता है। सहायक पाइप जो कि खेत में फैले हुए होते हैं, और ड्रिपर्स जो कि पौधों के जड़ क्षेत्र में होते हैं जिनसे कि पानी बूंद बूंद करके टपकता है। टपक नंबर 152, टपक तार सिंचाई से 50% जल की बचत होती है, इसे वाटर माइजर विधि भी कहते हैं। दोस्तों याद रखें कि ड्रिप इरिगेशन को वाटर माइजर इरिगेशन भी कहते हैं तथा इससे 50% जल की बचत होती है। टॉपिक नंबर 153, ड्रिप सिंचाई विधि एक खर्चीली विधि है, ये सिंचाई शुष्क क्षेत्रों में उपयोगी होती है। यहाँ दोस्तों ड्रिप सिंचाई विधि में पाइप बिछाने में, पीवीसी पाइप में और इक्विपमेंट्स में काफ़ी खर्चा हो जाता है, ये छोटे क्षेत्र वाले किसानों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके मिनिमम क्षेत्र 2.5 हेक्टेयर होने पर ही ड्रिप सिंचाई हमारे लिए फायदेमंद उपयोग हो सकती है। ये सिंचाई शुष्क क्षेत्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। टॉपिक नंबर 154, ड्रिप विधि खेतों में सिंचाई के साथ उर्वरक देने के लिए भी बहुत उपयुक्त है क्योंकि इसमें पानी के साथ साथ जड़ क्षेत्र में ही उर्वरक पहुँचता है जिससे कि उर्वरक का हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। तो दोस्तों मैंने ये ड्रिप सिंचाई के कुछ टॉपिक जो मैंने लिख रखे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, 142 से 154 यानी ये 12 टॉपिक थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड के बारे में बताऊंगा जिसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी आगे आने वाली वीडियो के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।